नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में ओपनिंग हुआ है 5 मिनट की कैंडल में हम चेक करते हैं तो उसका ओपनिंग हुआ है 38,760 के पास। और मैंने आपको जो लेवल दिया था कि डाउन साइड में 38,490 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था फ्रेंड्स 38,280 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 38,075। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने दोनों टारगेट फ्रेंड्स अचीव कर लिया डाउन की साइड में। तो आइए देखते हैं कि अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। तो इसके लिए पहले हम एक काम करेंगे, ये पूरा लेवल आज को ड्रॉ किया है उसको मैं निकाल लूँगा और न्यू में फ्लैट जोन ड्रॉ करूँगा कल के लिए फ्रेंड्स, ताकि हम ट्रेड कर सकें। तो कल के बारे में अगर फ्रेंड्स उसका क्लोजिंग हुआ है 38,067 पे, आज उसका क्लोजिंग हुआ है और अब साइड में ये ओके, ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन, कौन सा वाला ये रहेगा ओके। उसका प्राइस लेवल रहेगा फ्रेंड्स डाउन की साइड में 37,940 और अपसाइड में रहेगा फ्रेंड्स 38,145। अगर डाउन के साइड में कल बैंक निफ्टी ने 37,940 ब्रेक किया तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में फ्रेंड्स 37,760 और दूसरा टारगेट फ्रेंड्स आ सकता है डाउन के साइड में, ये जो गैप पड़ा हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए वो नीचे आ सकता है जिसका प्राइस रहेगा फ्रेंड्स 37,220। ये हो गया हमारा डाउन के साइड में। और अगर अपसाइड में फ्रेंड्स 38,140 या 160 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 38,430। दूसरा टारगेट ऊपर की साइड में दूसरा टारगेट आएगा उसका 38,700। ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का ओके। फ्रेंड्स, ये मेरी एज ए ट्रेडर्स नाम की न्यू यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो ओके। चलो अब देख लेते हैं निफ्टी ने आज क्या किया फ्रेंड्स। निफ्टी की चार्ट पे हम देखते हैं 5 मिनट की, तो उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स आज 18,089 के पास उसका ओपनिंग हुआ है। और मैंने आपको जो लेवल दिए थे डाउन साइड में, क्योंकि डाउन साइड का हम देखेंगे क्योंकि डाउन साइड में उसने हमारा लेवल अचीव किया है। पहला लेवल मैंने आपको दिया था 70,920, मैंने आपको बोला था कि 70,990 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 70,920 और दूसरा टारगेट आएगा 70,800। आप यहां पर चेक करोगे फ्रेंड्स तो उसने पहला टारगेट हमारा अचीव कर लिया ये वाला यहां पे ओके। तो आइए देखते हैं कि अब कल निफ्टी क्या कर सकती है। तो इसके लिए पहले मैं ये पूरा लेवल को एडजस्ट कर लेता हूं, जैसे ये हमने फ्लैट जोन बनाया था कल के लिए, आज के लिए उसको मैं निकाल लेता हूं और आज के लिए हम न्यू फ्लैट जोन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। और आज का उसका क्लोजिंग हुआ है 70,957 में उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स। तो कल अगर 70,890 या 895 ब्रेक करेगा डाउन के साइड में, ये हमारा हो गया पहला लेवल, यहाँ पे है हमारा 200 मूविंग एवरेज का भी लेवल आ रहा है 70,890। और अपसाइड में अगर हम चेक करेंगे तो 70,975 ये आएगा हमारा अपसाइड का लेवल आएगा फ्रेंड्स ये। अगर डाउन के साइड में 70,890 ब्रेक करेगा तो पहला उसका आएगा टारगेट फ्रेंड्स 70,800 और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है, ये जो गैप पड़ा है कल उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है जिसका लेवल रहेगा फ्रेंड्स 70,700। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स 70,975 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 80,050 और दूसरा टारगेट भी आ सकता है फ्रेंड्स उसका 18,100। ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी का।
फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।